फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मेंटल ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मेंटल नाइट। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज की ब्लॉग बनाते हैं गोपालगंज के ऊपर। गोपालगंज के ऊपर होने वाली है और फिर से बता दें कि फिर लॉकडाउन में हमको जाना पड़ रहा है। तो ऐसा हुआ क्या हमारे साथ कि लगभग एक शादी है, वो भी अटेंड करना है, वो भी अटेंड कर लेंगे, और ब्लॉग बनाना है वो भी बना लेंगे, क्योंकि संडे तो आज है। संडे मतलब संडे को रोज वीडियो शूट करें, मंडे को वीडियो रिलीज करेंगे, क्योंकि हम सोचे कि आप हम चलते हैं, संडे भी चला गया फिर वीडियो है नहीं, चलते हैं वो भी काम हो जाएगा, हम वीडियो भी बना लेंगे, आपको दिखा भी देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। जैसे मीरगंज वाले ब्लॉग से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और इंगेजमेंट थोड़ा सा मतलब बढ़ा, ये बोलने का थोड़ा ये हुआ कि इंगेजमेंट बढ़ा, तो भाई वही क्या 50-100 बढ़ा। मैं ये चाहता हूँ मैक्सिमम 1K व्यूज आ जाए हर एक वीडियो पे, तो भाई जरा शेयर कर दो। अगर जो नहीं शेयर किया भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, प्लीज भाई शेयर कर दो। और जो जो भाई मेंबरशिप लिए हो सबको भाई शॉर्ट आउट करेंगे, नाम लेकर शॉर्ट आउट करेंगे, बस भाई थोड़ा सा और मेंबर जुड़ जाए। और जो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, अगर जो कर लिया है ठीक है भाई, बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स भाई। सबका नाम अभी लिखे नहीं इसीलिए इस ब्लॉग में शॉर्ट आउट नहीं दे रहे हैं, तो सबको शॉर्ट आउट करेंगे। जो भाई नहीं किए हैं ज्वाइन बटन पे, मात्र 25 रुपए का है भाई, उसमें आपको शॉर्ट आउट देंगे, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे आपके लिए, और फिर आपके साथ गेम भी खेलेंगे। और हो सकता है कि जो फोटो इंस्टा कहीं पे ना हो वहां पे आपको एक्सेस हम दे सकते हैं, अनसीन फोटो जहाँ पे कहीं ना हो वहां पे मिलेगा, तो आपको ज्वाइन बटन लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं कि लॉकडाउन में क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है। तो आपको सीधा मिलते हैं बाइक पे चल के। आप रोड देख रहे हैं, ये रोड हमारी ब्लॉग में फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, अब पता नहीं आवाज आ रहा है कि नहीं हवा की वजह से। तो ये बात करते हैं, दो ब्लॉग बनाए गोपालगंज की, तो दोनों ब्लॉग में ये रूट नहीं लिए थे। जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो ये रोड को ये जानते होंगे, ये रोड है जो नया बना है, ये जाकर निकलेगा आपका दुर्गापुर पे। ये अगर आप शामपुर से जाते हैं तो ये रोड मिलेगा, और इधर से आप देख रहे हैं कि यही नदी है जो वहाँ पे आपको मिलेगा, क्या नाम उसका, दुर्गापुर पे। तो अभी तो नदी में पानी उनी है नहीं, पूरा सूखा पड़ा हुआ है, इतना तेज दो दिन बारिश हुआ लेकिन कुछ उतना भी खास बारिश नहीं हुआ। तो जैसे देख रहे हैं कि ये सब सूखा हुआ है, और ये जो रूट लीजिएगा, ये रूट में आपको ट्रैफिक मतलब समझ लीजिए ना के बराबर क्या, इस रूट में ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं। और एटलीस्ट यहाँ से और हमको गोपालगंज जाने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो 5 से 7 मान के चलिए 10 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर चलते हैं गोपालगंज चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ के क्या सीन है। गोपालगंज में आ चुके हैं, ये गोपालगंज दुर्गाम पुल पे बस यहाँ से समझ लीजिए गोपालगंज में आ गए। ये जो रोड था पहले बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा। तो खैर ये रोड अभी गोपालगंज का आप रोड देखिएगा, रोड ठीक है, यानी आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में ये दे रहे हैं कि बस चल रहा है, अब बाकी तो वहाँ पर चल कर बताएंगे। नहीं, बस नहीं चल रहा है भाई, बस पूरा खाली है, हमको देख कर लगा कि बस चल रहा है, पर चल कर क्या चल रहा है, क्या बंद है क्या नहीं वो बताते। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं भाई, हम घर से निकले, देखो आप जो मीरगंज वाला ब्लॉग देखे हैं तब हम निकले, और उसके एक हफ्ता बाद आज निकले, सोचे शादी भी अटेंड कर लेंगे और उसके बाद से आप कोई कंटेंट तो है नहीं, फिर हमारा एक ब्लॉग भी बन जाएगा। ये जो सामने देख रहे हैं यही गोपालगंज है, बस इधर सारा दुर्गा था, बस सामने जो देख रहे हैं बस गोपालगंज, वहाँ दुर्गा पुल से अगर गोपालगंज के डिस्टेंस की बात करें तो एटलीस्ट 0.5 किलोमीटर होगा, उससे कम ही होगा पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। पिछले ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई मास्क का बहुत इधर, तो क्या करें, मास्क ये हो जा रहा है ना, मास्क बार बार ये छोटा पड़ जा रहा है, चला जा रहा है। तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कोलकाता बाजार है, अभी गोपालगंज का सिचुएशन बताए तो वही है कि सारा चीज बंद है। आप हमारे पीछे मॉल देखिएगा, मॉल भी बंद है, मतलब एटीएम चालू है। और बात करें मतलब दुकान वकान की, तो ये सारी चीज बंद है, सैनिटाइजर मास्क यही सब चीज की है इसलिए, और डॉक्टर हॉस्पिटल ये सब चालू है, तो अगर ये सब काम हो तो आ सकते हैं। बहुत फास्ट बोल दिए भाई साहब। तो पीछे देख रहे हैं मतलब इतना सन्नाटा में तो हम पहली बार आए गोपालगंज, पिछले साल के लॉकडाउन में कहा लॉकडाउन का ब्लॉगिंग नहीं किए थे, तो पिछले साल अब पता नहीं इतना था या नहीं था, पर इससे ज़्यादा सन्नाटा हम गोपालगंज में कभी नहीं देखे थे। और भी गोपालगंज का जो मेन जगह है उसको दिखाते हैं, मतलब जितना हो सकता है हमसे पॉसिबल,
वो सारी चीज़। अब देखिए ब्लॉग में यही हुआ था पिछला ब्लॉग में जो आपने कमेंट किया, मास्क हमारा छोटा पड़ जा रहा है और नहीं लगाएंगे तो भी डर है, तो मास्क लगाना चाहिए। और हम भी आपसे यही बोलेंगे कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आप मास्क पहन कर जाएं। बिचौंडर गोकुल रोड का हालात क्या है अब ये आप खुद देख सकते हैं, इधर भी दुकानें बंद पड़ी है, सारे दुकानें चालू रहती है और इधर भी। तो वही मिला जुला कर अगर हम बात करें तो गोपालगंज में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग कुछ है नहीं, पूरे चारों तरफ दुकान बंद पड़ी हुई है। तो इससे अच्छा यही है कि आप घर पे रहें, आप आए नहीं हम भी नहीं आते, अगर काम नहीं रहता तो पूरे चारों तरफ कोई लोग नहीं, कोई दुकानें चालू नहीं, पूरे तरह से गोपालगंज को बंद रखा गया है। तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ जितना हो सके घर से कम बाहर निकले, घर पे ही रहे वो सबसे अच्छा। हाँ अगर काम पड़ता है तो निकलना पड़ेगा, वो भी काम के लिए। क्या देखिए मेडिकल खुला हुआ है, देख रहे हैं कि ये सिनेमैटिक शॉट छोड़ने का सिनेमैटिक शॉट नहीं डाले, आपको बोलकर ही बता देते हैं कि क्या परिस्थिति है गोपालगंज की, क्या कंडीशन है। वही जिसको काम है सिर्फ दवाखाना खुली है, और हमको लग रहा है जो लोग रोड पे आए हैं तो उनका आने का यही मोटिव होगा कि या तो हॉस्पिटल में जाना नहीं तो सारी चीज़ें बंद है ना। और जो बात करें गाड़ी बस की तो वो थोड़ा बहुत चल रहा है, वो जो बस हो गया ज़्यादा तो नहीं पर हाँ बस बहुत थोड़ा कम बस वो चल रहा है। और एक बस में अगर आपको चलना है तो मतलब दो सीट पे एक ही आदमी का ये है, और किराया का क्या सीन है अब ये तो हमें पता नहीं है, बट पटना का किराया जैसे हमको पता चला था अगर आपको गोपालगंज से पटना जाना हो तो गोपालगंज से पटना के लिए ये है कि आपको एक सीट का मतलब डबल सीट का एक आदमी को किराया देना होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फल फ्रूट मतलब मिल रहा है, जैसे ये देख रहा है ये इधर मैंगो मिल रहा है, इधर भी मैंगो मिल रहा है, मतलब फल फ्रूट मिल रहा है, बाकी सारे चीज़ बंद है। उसके बाद से फिर जहाँ रुकते हैं आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं आगे गोपालगंज स्टेशन पर, गोपालगंज स्टेशन को नहीं दिखाते तो फिर ब्लॉग अधूरा अधूरा रह जाता भाई। गोपालगंज में अगर गोपालगंज स्टेशन का ना एक्सप्लोर करूँ तो गोपालगंज के स्टेशन पर भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है, हमको लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कोई है, मतलब पूरा अंदर चल के देखते हैं अगर कुछ होता है तो दिखाते हैं कोई लोग हो तो, पर यहाँ पर भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। मतलब कोरोना आकर सब कुछ मतलब सब कुछ थोड़ा सा चलने पे आया तब तक सब कुछ बंद हो गया, और मास्क फिर वही हो रहा है भाई कि बार बार मास्क यहाँ लगाते हैं फिर यहाँ से नीचे चला जा रहा है। इधर भी जैसे देख रहे हैं स्टेशन का चुका पूरा, इधर भी कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बस जहाँ तहाँ कोई एक दो आदमी वो भी इधर से उधर जाने वाले, मतलब यात्रा करने वाले लोग नहीं है, ऐसे ही लोग आए हुए हैं या कहीं जा रहे हैं या, और पीछे एक ट्रेन लगी हुई है ऐसे ही खड़ी पड़ी हुई है जैसे देख रहे हैं वीडियो में, पूरा हर एक चीज़ बंद है। यहाँ पर भी मतलब कुछ ये नहीं है, बस इधर पीछे आप देखिएगा तो उधर घड़ी चल रहा है, बाकी यहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता होगा। इससे पहले वाला जो ब्लॉग किया था हाँ तो इसमें थोड़ा बहुत उस वक्त लोग थे क्योंकि ट्रेन उस वक्त आती थी पर सुबह में और शाम में, और अभी तो फिलहाल हमको लग रहा है कि काफ़ी ट्रेन बंदी है इस रूट पे और पीछे जो ट्रेन है वो ऐसे ही है। तो यही कुछ हाल है गोपालगंज रेलवे स्टेशन का, जो सोचे कि ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सके, हो सकता है कहीं आपका उपयोग का हो जाए। तो जैसे देख रहे हैं ऐसा ही कुछ है, आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सब पहले की तरह हो जाए, सब कुछ चलने लगे, सब कुछ खुल जाए, लोग आ जाए भाई। कुछ नहीं है बिल्कुल, ऐसा अच्छा लग ही नहीं रहा है कि भाई। तो और भी कुछ स्पॉट है जो हम आपको दिखा दें। अगर आपको लोकल में यात्रा करना है जैसे गोपालगंज से आपको सिवान जाना हो, मीरगंज जाना हो तो हाँ वहाँ के लिए बस मिल जाएगा, बस एक जैसे पीछे बताएं बिना बस स्टैंड में आए बता दिया, मतलब पता किए थे उधर भी, पर अभी आपको बस स्टैंड में आकर बता रहे हैं। देखिए जैसे पीछे हमारी खड़ी है पटना जाने के लिए बस, हाँ तो वही है, मतलब ये दो सीट पर एक आदमी बैठ के जाएंगे और 400 कुछ किराया लगेगा, तो वही चीज़ है, मतलब ठीक है आपके सेफ्टी की वजह से किया जा रहा है। अगर आपको जाना है तत्काल में तो गोपालगंज से आपको मिल जाएगा, और गोपालगंज बस स्टैंड में अगर आप आइएगा तो देख रहे हैं हमारे पीछे के ई रिक्शा भी लगा हुआ है, तो ई रिक्शा भी मिल जाएगा, इधर उधर मतलब जा ही सकते हैं। और दुकान का बात करें तो उस वक्त एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सिर्फ मेडिकल वेडिकल खुला है, बाकी चीज़ सब चीज़ को बंद रखा गया है, सिर्फ मेडिकल और यही सब खुला हुआ है, बाकी ये खाने पीने का मतलब हर एक चीज़ बंद है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि खुला हो। गोपालगंज में आप आते होंगे तो इधर देखते होंगे काफ़ी सारा स्टॉल लगता था, ठेला लगता था, सारे स्टॉल सारे ठेला ये सब कुछ बंद है, कोई चीज़ खुला नहीं हुआ है, जितने स्टॉल लगते थे सारे स्टॉल हर एक चीज़ को मतलब बंद रखा गया है, कुछ नहीं खुला है। और अभी आ गए हैं आपको अम्बेडकर चौक पे, ये रूट पे ये जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ बिरयानी की दुकान थी, और इधर मतलब कपड़ा की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान,
तो ये सारे चीज बंद है और आगे स्टाइल अप मॉल है वो भी बंद है। खैर वहां तक तो चलेंगे ही, अब बाइक लगा दी। अगर बाइक पर से घूम को ब्लॉग बनाते तो फिर उस तरह हमको बनाना पड़ रहा था और थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए सोचे कि इस टाइप से बनाते हैं ब्लॉग और इस टाइप से हम आपको दिखाते हैं। तो इधर सारे बिरयानी हो रहे, बिरयानी की दुकान थी, सारे चीज़ मतलब उसको क्लोज कर दिया गया है, सिर्फ एक मेडिकल का जैसे देख रहे हैं, सिर्फ जो चीज़ अगर खुला ब्लॉग में देखे होंगे वीडियो में तो सिर्फ एक मेडिकल ही देखे होंगे। हमारे पीछे देख रहे हैं ये स्टाइल ऑफ मॉल है, इधर देखिएगा तो रायमंड का है, पर सारा चीज़ इसको भी बंद किया गया है, स्टाइल ऑफ भी बंद है, रायमंड भी बंद है। तो वो चीज़ जो मेन चीज़ था वो भी सोचेगा आपको ब्लॉग में दिखाते। भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा है, अपने डिस्ट्रिक्ट को कभी जब खुलता है ना तो इसको हम एक अच्छा सा ढंग मतलब जो जो अच्छा अच्छा चीज़ है उसको हम दिखाते हैं, जैसे मॉल हो गया और बड़ा बड़ा जो चीज़ का शोरूम हो गया। मैं परमिशन लेकर हर एक चीज़ को एक अच्छा सा ब्लॉग बनाकर दिखाता हूँ भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करता हूँ बहुत अच्छा से, क्योंकि दो ब्लॉग दिया हूँ पर ऐसे क्या क्या है लेकिन कैसे शोरूम है इस टाइप का हम ब्लॉग बनाऊंगा जब ये सब खुलता है। तो ये सब का मालिक से मैं परमिशन लेकर हर एक चीज़ को मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट को। तो फ्रेंड्स कुछ अभी तो फिलहाल लॉकडाउन में प्रमोट कर रहा हूँ, तो लॉकडाउन में कुछ ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है भाई। ये जो चौक देख रहे हैं, ये जो चौक, इसका नाम है अंबेडकर चौक, कोई अंबेडकर भवन के पास में बोलता है। ये पीछे हमारे अंबेडकर भवन है, ये पीछे टेस्ट बार बार आ गया भाई वो नहीं, ये जो येलो वाला देख रहे हैं तो वो अंबेडकर भवन है, ये मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस चौक है। तो यहाँ पर आपको दिखा दे कुछ ऐसा है और इसका सिनेमेटिक देखेंगे बहुत पहले, तो अंबेडकर चौक कुछ ऐसा दिखता है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई शेयर नहीं करता है पर भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, 1K तक व्यूज लेकर जाना है भाई, 1K तक व्यूज सब्सक्राइबर भी थोड़ा बहुत बढ़ा भाई, और 1K कम से कम व्यूज मेरा लेकर जाओ कि पर वीडियो पर 1K व्यूज आ जाइए भाई, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बस भाई 1K व्यूज तक एंगेजमेंट भाई पहुंचा दो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है भाई, जल्द से जल्द वहां पे हमको फॉलो कर लो भाई, वहां फॉलो कर लो लिंक, अगर आपको हमारा मेंबरशिप का लेना है वहां से तो ज्वाइन करके वो ले लो, वो सब कर लो। और बात करते हैं ब्लॉग गोपालगंज के ऊपर, तो वही है भाई, सारा चीज बनता है जैसे ब्लॉग में देखे, अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में जाना हो तो वहां जा सकते हो उसके लिए, ठीक है, पर अच्छा से जाइए, सेफ रहिए कामों के लिए। हमको लग रहा है कि सारा चीज बनता है, हमको क्या सारा ब्लॉग में देखे तो सारा चीज बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज खुला। खाने पीने का तो साफ ही बंद है, खाने पीने का तो कुछ यही नहीं कि जो कि आप जाइएगा सोचिएगा कि खाने पीने मिले, तो वो सारा चीज जैसे ब्लॉग में कवर कर दिए वो सारा चीज बंद था। तो फिर आपसे मिलते हैं फिंगर क्रॉस संडे को, उम्मीद है भाई वीडियो बना लूंगा कोई ना कोई, ये कन्फर्म थोड़ी है, ये ऐसा चल रहा है ना कि वीडियो एक बैग नहीं है, वो कुछ प्लान नहीं, एक बैग बन जाए तो सब हटाते हैं। इस ब्लॉग को फाइनली हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपको संडे के रोज तड़कते भड़कते कमाल की वीडियो में, जो भाई मेंबरशिप लेना चाहे ले सकते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में सबको शॉर्ट आउट देंगे।